अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक भाई साहब, सब लोगों को जुम्मा मुबारक हो। और हम भी बस निकल चुके हैं नहा धो के रेडी हो के। आज तो आपके भाई ने शलवार कमीज पहना है फुल भाई ऑन। तो अब हम जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। तो जुम्मे की जो मस्जिद है वहाँ जुम्मे की नमाज ही होती है। तो पहले तो वो हमारे घर से दूर थी, तो बेसिकली अब जो मस्जिद है उसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो वो रेनोवेट हो रही है। तो अभी हमें मीनवाइल हमारे घर के पास एक चर्च है, उन्होंने हमें एक जगह दी है प्रॉपर कि हम वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकें। तो सी दिस माशाल्लाह ह्यूमैनिटी। और अभी हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ और मस्जिद के करीब। अच्छा भाई साहब, जाते जाते रास्ते में नज़र पड़ी कि ये बच्चों का स्कूल है। स्कूल चेक करें आप, ये हमारी कम्युनिटी का स्कूल, मतलब लाइक कम्यून का स्कूल है हमारे बच्चों के लिए। बहुत ही क्लास, बहुत ही लेवल स्कूल है। और बस अब यहाँ से अंदर जाके तो जी ये चर्च है और इसके बराबर में यही इनकी सामने जगह थी जो इन लोगों ने पूरी हमें दे दी है फिलहाल नमाज पढ़ने के लिए, जब तक मस्जिद रेनोवेट हो रही है। तो ये इनका पूरा एरिया है और सामने स्कूल है, मतलब वो स्कूल कंटिन्यू ही हो रहा है। ओके चलो नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर। अच्छा तो भाई लोग शाम हो गई है, ऑफिस के वर्किंग आवर्स भी ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से और आपको भी साथ लेके चलते हैं। अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ, उस्मान भाई को बुलाया मैंने यहाँ पे कि आ जाए मेरे साथ चलें। तो लेट्स सी कितनी देर में आते हैं वो, हमें कितना वेट करवाएंगे। सो मैंने सोचा इतनी देर में थोड़ा सा टूर वगैरह दे दूँ अपने इस एरिया का, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। और क्या ये अच्छी लग रही है BMW? ओके ओके, तो भाई लोग सस्पेंस को करते हैं ख़त्म और हम लोग जा रहे हैं BMW शोरूम। सो फाइनल कुछ सिग्नेचर्स रह गए थे गाड़ी के लिए, अभी किसी को भी नहीं बताया घर में। सो अभी हम देंगे सरप्राइज सबको, भाई को पता है खाली। सो व्लॉग भी जब तक अपलोड नहीं होगा जब तक गाड़ी लेने नहीं आ जाते। सो हियर इट इज। लोग चलते चलते बहुत भूख लग गई थी, तो हम अभी एक तुर्किश रेस्टोरेंट पर आ गए हैं और ये चिकन हो रही है और यहाँ पे भाई साहब ये अपना बना रहे हैं। तो ये मेरा दुरुम बना रहा है, या मेक इट क्रिस्पी। तो ये है, ये सीन है, सीन्स हैं कुछ ऐसे, या शोरमा ऐसे बनता है।
भाई साहब, तो अब हम वापसी जाने के लिए आ गए हैं और घर वापस जा रहे हैं। ओके, सो अब वो हमारा स्टॉप है, ये सेंट्रल स्टेशन है लग्जमबर्ग का, और ये कुछ ऐसे दिखता है। बाकी उधर जाके हमारा ट्रैम आएगा, ट्रैम में बैठ के अपने स्टॉप तक जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। बाकी बस मौसम अच्छा है, काफी सारे लोग दिखेंगे आपको, तो कुछ ऐसे मामलात हैं, बहुत रश है लोगों का इस वक्त। ओके, तो बिल्कुल 11th आर पे याद आया ट्राम में बैठने से पहले कि बच्चे का दूध भी ख़त्म हो गया, तो वो दूध वगैरह ले लिया कुछ, ठीक है, यहाँ पे इसका पैक पूरा मिला नहीं, तो जो भी लूज में था वो ले लिया। बाकी अब जा रहे हैं ट्रैम की तरफ, और ये कुछ यहाँ पे लोग आउटिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं और रिलैक्स कर रहे हैं वीकेंड को। ये वाला ट्रैम आ गया है तो मैं सो जाएगा, क्योंकि ये बंद हो गया है और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं।